हेलो 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 आइए सर हम लोग शुरू करते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मामला क्या है सर गौर फरमाइएगा व्हाट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल ऑफवाऊ प्रिंसिपल सर ऑब्बा प्रिंसिपल का जो मामला है क्या है हमने कहा था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो है भाग कहा जाता है औब्बो प्रिंसिपल के बारे में हम लोग सर आज पढ़ेंगे बुद्ध रियो में है लल्ला लल ला ओबो चचा की बात करते हैं सर किसकी बात करते हैं औबो चचा की बात करते हैं ओब्बो प्रिंसिपल क्या है औपबाउ शब्द का अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चला सजाना कहते हैं ध्यान देना औपबाव की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना या सजाना इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले जब भी भरेगा इलेक्ट्रॉन जब भी भरेगा पहले 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 आजाद जी न्यूनतम ऊर्जा वाले में भरेगा उसके बाद धीरे 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 उससे ज्यादा में उससे ज्यादा में उससे ज्यादा में कहोगे रे आपको ऊर्जा का क्रम क्या है तो ऊर्जा का क्रम आपके सामने है, है सर ये रहा ऊर्जा का क्रम दैट वन एस में पहले भरेगा टू एस में उसके बाद टू पी में उसके बाद थ्री एस में फिर थ्री पी में फोर एस में थ्री डी में फोर पी में फाइव एस में और आपको पता है एस की औकात है दो की एस की औकात है दो की पी की औकात है छ की डी की औकात है दस की और एस की औकात है चौदह की एस की औकात दो की पी की छ की डी की दस की एफ की चौदह की तो सर कहने का मतलब अगर हमको इधर से इलेक्ट्रॉन मान लो ग्यारह को भरना है तो एक दू गो दे देंगे फिर एक बार दो गो दे देंगे ध्यान दीजिएगा हेलो हाँ Uh, कहां थे हम सर uh, यहां प्रिंसिपल के हिसाब से ये ऑर्डर है इसी ऑर्डर में सर हमको भरना है और सर आपको पता है एस की औकात कितनी है दो की पी की औकात है छह की डी की दस की एफ की चौदह की अब ध्यान देना सर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको किसी का भी लिखना है किसी का भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ध्यान दीजिएगा जैसे सोडियम का हमको लिखना है सोडियम का अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा सर जैसे अगर हमको सोडियम का लिखना है सोडियम का होता है एगारह सोडियम की अगर हम बात करें सोडियम का होता है ग्यारह तेईस तो सोडियम का ग्यारह तेईस होता है तो हमको पता है सर ऑर्डर ऑर्डर क्या है हमारा गौर फरमाइएगा वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस ये ऑर्डर है ध्यान दीजिएगा सर अगर हमको सोडियम का लिखना है सोडियम होता है एगारह अब ग्यारह होगा तो एस की औकात कितने की है एस की औकात है दो की पी की औकात है छ की डी की औकात है दस की एफ की औकात है चौदह की अब ध्यान दीजिएगा सर एस सोडियम इलेवन है तो वन एस एस में टू होगा तो इसमें दो को दे दिए अब हमारे पास बचा नौ गो तो अब नौ गो बच्चा तब तो एकरा में जाएंगे अब एकरा घर में जाएंगे टू एस में टू हुआ फिर अब दो चार हो गया अब हमारे पास एगारह एक तो फिर एकरा दे देते हैं छो गो, क्योंकि इसकी औकात है छह की फिर बच बच गया 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 तो इसको दे देते हैं अब हो गया चला 1H2, 2H2, 2H2, 2P6, 3H1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया अगर सबको नमस्कार है सर ध्यान दीजिएगा एन ए प्लस है एन ए ग्यारह है प्लस है तो प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्यारह में से एक गया दस ग्यारह में से एक गया कितना दस तो दस चल गया तो सर बताओ दस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे एकरा में देंगे ध्यान देना एकरा देते हैं तो वन एस टू। फिर फिर दो देते हैं तो दे तो सोडियम का हो गया वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स यहां के बाद इसमें इसलिए गए क्योंकि इसके पास एगारह गो था दो दो चार छ दस से हो रहा था इसलिए इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन अगर एन प्लस की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो ये दो दो चार हो गया। जैसे क्लोरीन का ले लो आप क्लोरीन का होता है सत्रह यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई सत्रह तो सत्रह हो गई तो ऐसे सजाएंगे वन एस टू फिर इसमें चल जाएंगे टू एस टू फिर इसमें जाएंगे टू पी सिक्स फिर इसमें जाएंगे थ्री एस टू फिर इसमें जाएंगे थ्री पी अब देखो कई को बचा है दो दो चार छ दस दो बारह अब पांच सत्रह ये पहली कक्षा है ध्यान दीजिएगा सर ये हमारी पहली कक्षा है ये हमारी दूसरी कक्षा है और ये हमारी अंतिम कक्षा है तीसरी ये हमारी पहली कक्षा है ये हमारी दूसरी कक्षा और यही मेरी अंतिम कक्षा है पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा तुमको अगर कहेगा बाहितम कक्षा कौन सा है तो यहां बाहितम कक्षा हम कहेंगे ये तीसरी कक्षा यहां कहेगा कक्षा क्षा यह दूसरी कक्षा कक्षा है ये जो दूसरी कक्षा है ना सर ये यह कक्षा है तो तुमको क्या कक्षा टूप में कितने इलेक्ट्रॉन तो तुम कहेगा सर छो इलेक्ट्रॉन नहीं दूसरी कक्षा बाहितम कक्षा है इसलिए छह दो आठ इलेक्ट्रॉन बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं कहेंगे बाहितम कक्षा में छ इलेक्ट्रॉन है नहीं सर बाहितम कक्षा दूसरी कक्षा जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन छो आठ है ठीक है और यहां अगर आप आते हो क्लोरीन सत्रह में तो यहां बाहितम कक्षा ये तीसरी कक्षा जिसमें बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पांच नहीं है पांच दो सात है ये हो गया सर पहली कक्षा आपकी ये हो गई आपकी दूसरी कक्षा और ये हो गई तीसरी कक्षा जो हो गई बाहितम कक्षा लड़का को कहेगा बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन लड़का कहेगा पांच को जो कि गलत है पांच दो सात क्लियर अब ध्यान दीजिएगा सर तो कहने का मतलब अब यहां आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे तो कहते हैं ध्यान दीजिएगा सोडियम तेईस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो सोडियम विनियाम एगार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन अभी लिख के हम बताए हैं फिर सोडियम प्लस हो गया सोडियम प्लस हो गया तो में से एक गया दस अब दस बचा तो दस कैसे होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स दो दो चार छो दस फिर यहां आ जाओ क्लोरीन 17 कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या सत्रह तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव हम करके आपको यहां दिखा दिए हैं यहां तुम कहोगे सौर एक दो और करके दिखाइए ताकि हम सीख पाए फरमाइएगा किसी का आप सर ले लीजिए जैसे आप ले लीजिए सर कैल्सियम का एकदम आराम से या ले लीजिए आप सर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन होता है सात इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू कीजिए सर वन एस टू टू एस टू तो चार हो गया टू पी थ्री तो दो दो चार तीन सात दो दो चार तीन कितना सात ध्यान दीजिएगा सर दो दो चार तीन सात देखो दो गो एकरा देंगे बच जाएगा दो गो एकरा देंगे बच जाता छह गो एकरा अवकात है लेकिन बचा तो हमारा गो है तो तीने गो नहींकरा देंगे क्योंकि चार गो तो इधर दे चुके हैं नहीं समझे सर ऑर्डर में देंगे है। लेकिन मेरे पास तो साते गो इलेक्ट्रॉन तीन बचा तीन देंगे अब देखिए अगला में चलते हैं अगला खाली सीखने की कोशिश करो जैसे आप ले लीजिए सर फॉस्फोरस पंद्रह पंद्रह कैसे सजाइएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स तो कितना हुआ दो तो चार छः दस फिर एक दे दो पूरा का पूरा थ्री एस टू तो बारह हो गया फिर तीन को बचा लिए थ्री पी थ्री अगर चार को बचता तो में चार को देते पांच को बचता तो पांच को देते को बचता को देते सात को हो जाता तो एक को दे बुझात कि नहीं खे एक और करी और करी हो राजा देखो अगर हम लेते हैं चला चला सोनारे सुगारे एफ नाइन एफ नाइन पढ़ाई सर एंटरटेनमेंट नहीं है इसलिए पढ़ाई कीज जम किया ना तो हो जाएगा मामला गड़बड़ पढ़ाई एंटरटेनमेंट कभी नहीं हो सकता पढ़ाई एक तपस्या हो सकती है सर पढ़ाई ना सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तपस्या है एक लाइन का बात है सर F9 की बात कीजिए सर F9 नाइन की अगर हम बात करते हैं तो 1s2 एस टू देखो नौ है 1s2 2s2 टू दो चार अब बच गया नौ गो है तो नौ गो है तो दू गोकरा दिए दो गो एक, गो एक चार गो अब हमारे पास बचा पांच गो एक रोकात है छ के एक कर दिए सर पांच किया पांच तो हमारे पास सर ई दोनों को देने के बाद पांचे को बचे किया था दो दो चार पांच नौ अगर हमको इसको देते इसको इसको देते दे, सात को बच जाता छो एक देते बुझा के नहीं ऑर्डर यही रहेगा इसके बाद का भी ऑर्डर लिखा हुआ है अब सर देखिएगा अगर हम लेते मैग्नीशियम बारह चल चल मेरे साथी ला ला ला, 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 ला। बारह कैसे लिखेंगे सर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स तो कहको बट गया दो दो चार छ दस और थ्री एस टू दो बारह हमारा काम हो गया अब गौर फरमाइएगा जनाब इधर आ जाइए आप ओब प्रिंसिपल के कुछ अपवाद हैं सर जैसे क्रोमियम हो गया कॉपर हो गया ये कहता क्या है सर ऑबा प्रिंसिपल का अपवाद यह कहता है कि जैसे ऑब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे जैसे बचते जाएगा हम डालते जाएंगे लेकिन सर मामला है कि कहा यह जाता है कि जैसे आप ले लीजिए डी में या यूं कहिए सर अगर हम बात करें एस की औकात कितने की है दो की पी की औकात है छ की डी की औकात है दस की और एस की औकात है चौदह की ध्यान दीजिएगा सर एस की औकात है सबको मेरा नमस्कार है सर एस की औकात है कितने की दो की बिकॉज ये साउंड आ रहा है आप साउंड को बढ़ा लीजिए सर एस की औकात है दो की पी की औकात है छ की डी की दस की एफ की चौदह की तो सर होता यह है कि या तो आधा भरा हुआ स्टेबल होगा या तो पूरा भरा हुआ स्टेबल होगा और किचरा नहीं होगा अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे या तो दो में स्टेबल होगा या तो एक गो में या तो छह गो में स्टेबल होगा या तो तीन गो में या तो दस गो में कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर दस गो है नहीं तो पांच गो रहेगा आई चौदह गो रहेगा ना तो सात गो रहेगा तुमको अगर मास्टर समझे नहीं या तो हाफ फुलफीड होगा या फुल फुलफील्ड होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहितम कक्षा में या तो आधा भरा हुआ रहेगा या पूरा भरा हुआ रहेगा जैसे छ रहेगा ना तो तीन रहेगा पांच नहीं रहेगा चार नहीं रहेगा दो नहीं रहेगा या तो दस रहेगा ना तो पांच रहेगा नौ नहीं रहेगा आठ नहीं रहेगा नहीं बुझा सात नहीं रहेगा छ नहीं रहेगा क्लियर अब ध्यान देना कहते हैं या तो या तो आधा भरा हुआ रहेगा तब स्टेबल होगा या तो पूरा भरा हुआ रहेगा तब स्टेबल होगा अगर नौ रहेगा तो उसको दस कर देंगे चार रहेगा तो उसको पांच कर देंगे तुम कहेगा मास्टर समझे नहीं तो हम समझाते हैं देखो एक एग्जाम्पल लेके क्रोमियम चौबीस ले लो क्रोमियम क्या ले लो भाई मेरे चौबीस क्रोमियम चौबीस जब तुम लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा वन एस टू टू एस टू सर ऑर्डर आपको पता है रुकी हम ऑर्डर आपको फिर से लिख देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो ऑर्डर क्या है वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी इतने तक में हो जाएगा अब लेते हैं चला हम क्रोमियम यह अपवाद है सर ऑब्बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या सही है और क्या होना चाहिए वो देखते हैं सर क्रोमियम का होता है चौबीस तुमको कैसे मास्टर तो तुमको याद करना होगा क्रोमियम चौबीस होता है नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन के गिवन दैट में रहता है वन एस टू दे अब आगे बढ़ो चौबीस को है टू एस टू चार गो सट गया फिर एक दे दो छो टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी नाइन देखो तो चौबीस को पूर गया दो, दो चार छ दस दो बारह छ अठारह दो, दो बीस आ, 20 आ चार गो होगा बीस चार चौबीस देखो दो दो चार छो दस दो बारह छो अठारह दो बीस चार चौबीस इलेक्ट्रॉन की अगर हम संख्या की बात करें क्रोमियम चौबीस है दो दो चार छो दस दो बारह छो अठारह दो बीस चार चौबीस अब मामला क्या है सर कि डी की औकात है दस की ये ऑब्बो के हिसाब से सही है इसी क्रम में भरना है दो दो चार छो दस दो बारह छो अठारह दो बीस चार चौबीस एक है औकात अगर दस बच्चा चार हम की करेंगे अब देखो अगर ये औबाव के हिसाब से सही है लेकिन रियल में यह गलत है क्योंकि डी की औकात है दस की तो या तो चला नौ गो रहेगा या तो दस रहेगा ना तो पांच रहेगा या तो आधा भरा हुआ रहेगा ना तो पूरा भरा हुआ तुम गौर से देखो तो कोई चार है चार नहीं हो सकता या तो पांच होगा ना तो दस होगा या तो आधा भरेगा या तो पूरा भरेगा अब ध्यान दो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा क्या सत्य में यह हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है अब यहां इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो ये आधा पूरा आधा भर जाएगा और ये आधा भर जाए ये फोर एस टू है इसको अगर हम फोर एस वन थ्री डी फाइव कर देते हैं तो क्या समस्या है ई भी आधा भर के खुश है ई भी आधा भर के खुश है नहीं ई तो, तो पूरा भरा हुआ है लेकिन ये आधे भरन है तो सर अगर कहेगा इसको सर शॉर्ट में कैसे लिखेंगे सर अगर इसको हमको शॉर्ट में लिखना होगा तो आर्गन का होता है अठारह तो यहां दो दो चार देना दो दो चार छ दस दो बारह छो अठारह अठारह तक के लिए हम एक वर्ड रिप्लेस कर देंगे आर्गन क्यों रिप्लेस कर देंगे सर क्योंकि आर्गन का होता है अठारह और उसके बाद लिख देंगे फोर एस वन थ्री डी फाइव अब तुम कहोगे मास्टर काहे लिखा तुम आर्गन इसको क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन टाइप नहीं करता है इसके बदले में लिख देगा आर्गन अब फिर लिख देगा फोर एस वन थ्री डी फाइव अब चला मामला क्या है देखो ये वास्तविक रूप से यह सही है और यह गलत है इसको भी अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा यहां तक को कर देगा आर्गन आर्गन और फिर कर देगा फोर एस टू थ्री डी फोर फोर आर्गन फोर एस टू थ्री डी फोर अब मामला क्या देखो यहां से यहां तक को लिखा फोर एस वन थ्री डी फाइव इसको लिखा फोर एस टू थ्री डी फोर इतना को आर्गन लिख दिया तो ये सर ओप के हिसाब से कहेगा कौन सही है तो ये सही है लेकिन अगर कहेगा वास्तविक रूप से कौन सही है तो ये सही है तुम कहेगा नहीं समझे रहे, मास्टर हम समझाते हैं गौर फरमाना अगर तुमको कह दे एक क्वेश्चन दे देगा तुमको ध्यान देना अगर तुमको एक क्वेश्चन देता है कि क्रोमियम चौबीस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है यही दुए को पूछता है आप सर, एक वो आत्सर क्रोमियम एको कॉपर अब तुमको ऑप्शन बना के देगा पहला आर्गन फोर एस टू थ्री डी फोर दूसरा दे देगा आर्गन फोर एस वन थ्री डी फाइव तीसरा दे देगा दे आर्गन फोर एस फाइव थ्री डी सिक्स कुछ दे देगा चौथा नॉन ऑफ डीज तो सर चौथा दे, दे देगा नॉन ऑफ डीज चौथे की अगर बात करोगे एकदम आराम से चला पढ़ाई एक तपस्या है बोरा में जाने का को, अलावा कोई उपाय नहीं है नॉन अब दीज अब चला हमको ये बताओ तुम्हारे हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो आंसर कौन सा है क्रोमियम चौबीस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है तो कौन सा सही है अगर कहेगा तो यह सही है आप कहोगे क्यों सही है मास्टर इसलिए ही सही है क्योंकि यह भी आधा भरा हुआ है यह भी आधा भरा हुआ है यहां पर यह गलत है यह जो है यह गलत है क्योंकि यह आधा भरा हुआ नहीं है लेकिन अगर यहीं पर कह देता कि निम्न क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यासबाव के अनुसार कौन सा सही है अबाव के अनुसार कौन सा सही है तो अपव के अनुसार कहता तब यह नहीं होता तब यह हो जाता बुझा रहे ना एक बार और एक बार और ध्यान देना अगर कहेगा क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है तो ध्यान देना चला रही एकदम आराम से क्रोमियम 24 का अगर ऑब्बो के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो यह सही है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर रियल में कहोगे तो ये चूंकि आधा भरा हुआ नहीं है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा तो ये पांच हो जाएगा ये एक हो जाएगा ये वास्तव अगर ऑब्बो का नाम नहीं ले तो ये सही है और अगर अब्बा का नाम ले ले तो ये सही है एक और एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल नहीं तो तुमको समझने में दिक्कत होगी तेरी पे आकर मियाऊ मियाऊ क्यों की कर रहा, रहा है अरे पढ़ रहा है ना बस कुड़िया रहा है कुड़िया लो जब बोरा वो उठ के बैठ उठ के बैठ तो और, तो और बाबू माई के कसम है उठ के बैठ पढ़ाई एक तपस्या है चला पढ़ाई कभी इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है पढ़ाई एक तपस्या है उठ चला बैठ के पढ़ अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उठ के बैठ के पढ़ हम चाहे तो हंसा सकते कहीं ई तू हंसने लगेगा उससे होना क्या है चला तो आगे रोना है इसलिए कंसंट्रेट योर ब्रेन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड द व्हाइट बोर्ड आना तो बोरा में जाने के लिए एकदम तैयार रहना है की करना है तुम देख लो फुल्ली कंसंट्रेशन चाहिए सर हम आते हैं अगले में अगला बात करते हैं हम कॉपर की सर ऑर्डर क्या है वन एस टू वन एस टू एस वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी ये ऑर्डर है हम लेते हैं चला कॉपर को कॉपर ट्वेंटी नाइन ये भी अपवाद में तीन चार चीजें अपवाद में क्रोमियम कॉपर सोना चांदी क्रोमियम कॉपर सोना चांदी सबको प्रणाम है सर सर गौर फरमाना उन्तीस है ना वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन देखो हो गया होगा दो आई 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 ना चल गया तेरी दल देखिए सर दो दो चार छो दस दो बारह छो अठारह दो बीस नौ उन्तीस लेकिन सर इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो यहां से यहां तक को आर्गन लिख सकते हैं यहां से यहां तक को सर आर्गन लिख देंगे हो जाएगा आर्गन अब फिर हो जाएगा फोर एस टू थ्री डी नाइन यहां से यहां तक सर आर्गन उसके बाद फोर एस टू थ्री डी नाइन सर ये ऑब्बो के हिसाब से ये सही है लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर डी है तो दस से औकात या तो पांच रहेगा तो ना तो दस रहेगा या तो आधा भरा हुआ रहेगा ना तो पूरा भरा हुआ रहेगा अब बता क्या हो जाएगा अगर हम इसको सर ये ऑब्बो के हिसाब से सही है लेकिन वास्तविक रूप से क्या सही है सर वास्तविक रूप से अगर लिखोगे ये हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा वन थ्री डी हो जाएगा चला दस हां सर मैसेज शो कर रहा है आपका दीपक जी अब यहां अगर हम आते हैं तो यहां से यहां तक को हम आर्गन लिख देते हैं सर आर्गन हो गया आर्गन उसके बाद फोर एस वन थ्री डी टेन तो ये सर सही है ये गलत है जबकि ये अवभाव के हिसाब से सही है अगर कहेगा उपभाव के हिसाब से कौन सा सही है तो कहेंगे ये सही है अगर कहेगा वास्तविक रूप से कौन सा सही है या कौन सा सही है तो यह सही है और ऐसे अपवाद कितने हैं चार चार में भी दुए को पूछा जाता है कौन जो हम बताए हैं क्रोमियम और कॉपर क्रोमियम और कौन कॉपर सही ये है लेकिन अगर ऑब्बो के हिसाब से सही कौन है तो यही सही है जबकि ये गलत है तो उसको तो फिर आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अपने आपको पता चलता होगा और चल जाएगा ध्यान दीजिएगा कहते हैं क्रोमियम आपके सामने है सर ये गलत है ये सही है देखिए आप जो गलत है उसमें फोर एस टू थ्री डी फोर है और फोर तो होता नहीं है तो इसको हम थ्री डी फाइव कर दिए हैं और इसको फोर एस वन कर दिए फिर आप आर्गन के टर्म में भी आप यही लिख सकते हैं यहां पर थ्री डी फाइव फोर एस वन हो जाएगा फोर एस वन हो जाएगा सर अब देखिए कॉपर के टर्म में अगर आप, आप बात कीजिएगा तो वन एस टू टू एस टू ये भी देखिए आप थ्री डी नाइन हो गया फोर एस टू हो गया ये होगा नहीं थ्री डी टेन हो जाएगा फोर एस वन हो जाएगा यहां फिर आप आइएगा तो ये आपका सही है जबकि ये आपका गलत है जबकि के हिसाब से यही सही है और सेम है आपका सर ये सोना और चांदी बट ये इतना लंबा चौड़ा पूछता नहीं है इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है हम ऐसे ही दे दिए कि ये भी अब बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सर आप इस टर्म का प्रयोग कीजिए ये ज्यादा बेहतर है वन एस टू से आपको वन एस टू टू एस टू से आपको छुटकारा मिल जाएगा हम लिख के आपको बता देते हैं जय श्री राम बरोज कुमार जी दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस के टर्म में आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको सिखा देते हैं एक मैजिक नंबर है सर आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा तो आपका सर काम हो जाएगा देखिए कैसे हम आपको दिखाते हैं एक नंबर आप याद रखिए जैसे आप ये टर्म याद रखें ना सर जैसे आप ये टर्म याद रखिये वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन ऐसा नहीं है आपको कल हेलो साउंड नहीं आप देखते नहीं उसको रिफ्रेश किया कीजिए देखिए सर साउंड नहीं जा रहा होगा इसके लिए तहे दिल से सॉरी है सर फिर से मैं समझा देता हूं ऑर्डर एक आपको याद रखना है सर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको इतना पचरा में नहीं फंसना है आपको एक ऑर्डर याद रखना है दो आठ आठ अठारह बत्तीस दो आठ आठ अठारह बत्तीस इसका सर मामला क्या है हम आपको दिखाते हैं मामला यह है सर कि आप उतना भी मत याद रखो आप याद रखो दो आप याद रखो सर दो आठ आठ अठारह आप याद रखो सर दो आठ आठ अठारह ठीक है अब देखो मामला क्या है सर जैसे सोडियम एगारह है इसको हम कैसे लिखेंगे दो गो एका देंगे आठ गो एकरा दे दिया दस बच गया तो एक गो एकरा नहीं बचता तो यहीं तक खत्म था क्लोरीन है सत्रह अगर हम क्लोरीन सत्रह की बात करें हुँ, हुँ, हुँ. क्लोरीन अगर हम सत्रह की बात करें सर हाँ अभी साउंड जा रही है साउंड आ रही है क्लोरीन अगर सत्रह की बात करें सर तो दो ध्यान देना दो आठ दस और सात सत्रह देखो तुम्हारे सामने है, दो आठ दस बच गया जो एक राम है, सत्रा। में सत्रह जैसे तुम मैग्नीशियम बारह की बात करो <laughs> कैसे भरोगे दो एका में दे दिए आठ अकरा में दे दिए दस और सात अकड़ा में दे दिए सत्रह दो आठ दस सात सत्रह कोई बकवास नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तुम्हारा हम एक मिनट बर्बाद नहीं करेंगे जो तुम हमको गाली देगा कुछ ना कुछ सिखा ही देंगे तुम्हें लेकिन सर एक लाइन का बात है बोले जितना वैकेंसी नहीं उससे ज्यादा एडमिशन है इसका एक ही मतलब होता है चला कि तुमको प्रोपरली रेगुलर बच्चे उतने हैं सर जितना बच्चे क्लास रेगुलरली कर पा रहे हैं उससे कम वैकेंसी उससे ज्यादा वैकेंसी है लेकिन एडमिशन जितना है उससे कम वैकेंसी है सर आप सोच के देख लो क्या होना है इसलिए सर आप प्रोपरली क्लास करो मेरी आपसे गुजारिश है सोडियम एगारह है दो आठ एक कर दिए जो रेगुलर क्लास करेगा सर उसी का होना है नहीं तो एकदम नहीं होना है रेगुलर क्लास करने वाले बच्चे बहुत कम है लेकिन एडमिशन लेने वाले बच्चे वैकेंसी लेने आ, से भी ज्यादा है तो सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा हम पढ़ाएंगे और आप रेगुलर पढ़िएगा तब होगा सर ध्यान दीजिएगा कहते तो हैं चला मैग्नीशियम बारह है मैग्नीशियम कितना है यहां सात नहीं होगा सर मैग्नीशियम बारह है तो दू गो एक आठ गो एक दिए दस और दू गो एक बारह दो आठ दस दो बारह हो गया कम अब देखिए सर अगर और किसी का लिखना है मान लो किसी का भी हम चेक करते हैं सर लेटस हैव टू चेक किसी का लिखते हैं सर जैसे नियोन का लिखते हैं दस नियॉन का दस लिखेंगे दो आठ दस दो आठ दस खत्म है कान आर्गन है हमारे पास अठारह कैसे लिखेंगे सर दो आठ दस आठ अठारह दो आठ दस अठ अठारह कहेगा बाईतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कहेंगे आठ अब बुझा कि नहीं एक और लिखो जैसे अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो फ्लोरीन लिखते हैं नौ तुम क्या सर बहत्तर का लिखे था सौ बारह का लिखे था भी नहीं करता झूठे का लिखिए जितना पूछता बीस तक तुमको पूछेगा बीस तक जाना तुम्हारा काम हो जाएगा झूठे सर बकरी या बिलाई पढ़ के की फायदा है इतना चीज पढ़ना है वो पढ़वे नहीं करेगा लेकिन कहें सर एक सौ बारह रहता है

आवाज़ आजाद जान हमारे कहते हैं उत्कृष्ट गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन है ना चला ध्यान देना हुँ 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 सब को चला भूल जाओ कभी नहीं पूछेगा हम लिख जरूर दिए लेकिन तोरा पूछेगा नहीं तुम क्या करो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन तक क्रिप्टन तक भी नहीं जाना है इतने तक मैनेज करो ना तोर काम हो जाएगा लियम का देखो लिखा हुआ है दो आठ अठ अठारह के तरीके से अगर हम लिखते हैं दो आठ आठ अठारह देखो तो हिलियम का होता है दो एटॉमिक नंबर होता है दो तो यहां दो हो गया एक काम चल गया नियम का होता है दस तो दस दो आठ आर्गन का होता है अठारह तो अठारह दो आठ दस आठ अठारह यानी दो आठ आठ दो आठ आठ अब बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत है झूठे लिखल ले किताब है चल सब लिखना पड़ता है बट ये गलत है तुमको लिखने की जरूरत नहीं है अब देखो इससे तुम खाली यह सीखे हो ध्यान देना इससे तुम खाली यह सीखे हो चला कि अक्रिय गैस में हीलियम को छोड़कर बाकी सबके बाहितम कक्षा में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है आठ अक्रिया गैस में हीलियम को छोड़कर सबके बाहितम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है आठ इसका हम आगे यूज करेंगे अब आ जाओ इधर संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आप देखो निकालना तुम्हारे लिए कितना आसान है संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो तुमको तो क्रम याद है दो आठ आठ अठारह याद है चला तुमको क्रम पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का अब तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है जैसे मान लो सोडियम का तुम लिखते हो ग्यारह होता है सोडियम का चला कितना लिखते हैं ग्यारह सोडियम का कितना 11. 11 लिखोगे तो दो आठ दस एक एगारह पहले इसको भरो बच जाता तो इसको भरो बच जाएगा तो इसमें डालो भर जाएगा तो इसमें डालना. तो जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना चला तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बच गया हो गए चला कोर इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया दो आठ दस बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन अब बाहितम कक्षा को छोड़कर जो बच गया उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन ठीक है अब ध्यान देना बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन अब बाहितम कक्षा को छोड़कर जो बच गया उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन क्लियर? अब देखिए कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाहितम 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 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बाहितम कक्षा के अंदर वाली कक्षा यानी बाहितम कक्षा को छोड़ दो उसके अंदर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की शं, कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं देखो फिर से पढ़ देते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन अब बाह्यतम कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं अब तुम्हारे पास दो उपाय है जैसे अभी हमने लिखा सर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे लिख लो ये आसान है अगर कहोगे नहीं ऐसे हम नहीं लिखेंगे तो फिर वही लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हम टू टू तुमको ये पहली कक्षा यह दूसरी कक्षा ये तीसरी कक्षा यह बाहितम कक्षा तो बता बाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन e है तो बता संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो गया जो बाहितम तो। तो। कक्षा में होगा अब कोर इलेक्ट्रॉन हो गया चला छः दू आठ दू दस छ आठ दू दस यानी कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई दस संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया एक अब कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया छ आठ दू दस ठीक है अब ध्यान देना चला कहते हैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो ऐसा है सोडियम का वन एस टू सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन अगर ये वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा ये तीसरी कक्षा ये बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई एक अब अगर हम चला कोर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बता कितनी हो जाएगी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी पूरा बाहितम कक्षा को, को छोड़ दो जो बच गया वो पूरा छः दो आठ दो दस कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई दस क्लियर बोलो ना रे राजा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन अगर जैसे हम दूसरा देख लेते हैं सर ये इलेक्ट्रॉनिक कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इसमें दस है सर इसको हम फिर से देखते हैं जैसे सोडियम प्लस है सोडियम प्लस है तो इसमें दूसरी कक्षा तो बाहितम कक्षा हो गई दूसरी कक्षा संयोजी सिर्फ ये बाहित कक्षा नहीं हुआ ये पूरा बाहितम कक्षा हुआ छ दो आठ हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन तब जो इसके अलावा जो बच गया वो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन फिर आ जाओ आर्गन अठारह पे हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स या नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकता दो आठ आठ जो तुम्हारा दिल करे तो सर बाईतम कक्षा में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए आठ आ कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गए आठ दो दस बोलो ना रे अब देखो द नेक्स्ट ध्यान देना आ, आ, हम फिर समझाएंगे क्योंकि हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है फिर समझाते हैं देखो ऑर्डर क्या होगा दो आठ आठ अठारह तुम ले लो चला क्लोरीन क्लोरीन होता है सत्रह यह हो जाएगा दो आठ दस सात सत्रह यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई सात बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या सात बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो की संख्या सात कितनी सात यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा हमको निकालने तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कह देंगे सात क्योंकि ये बाहितम कक्षा में है इसके अलावे जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी आठ दुर्धस नहीं निकल जाएगा अगला अगर हम सर दो आठ आठ अठारह को याद रखेंगे बहुत सारे सवाल इस पर आपको मिलेंगे अगर हम मान लेते हैं सर आर्गन ले लेते हैं अठारह ये हो जाएगा दो आठ दस आठ आट अठारह आट देखिए आपके सामने है आर्गन अठारह दो आठ आट आठ संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना आठ बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा ऐसा छप्पन के ऐसा और बेरासी के नए पूछता है बीस तक रहो उतने के सर सवाल आएगा उतने तुमको बनाना है और ये हो गया चला कोर इलेक्ट्रॉन दस तुम अगर कहेगा नहीं सर वन एस टू से भी बताइए तो वन एस टू से भी हम बताते हैं देखो आर्गन है अठारह हम तुमको ऑर्डर बोले थे वन एस टू एस टू थ्री एस थ्री पी बोले थे याद करो बोले थे अठारह का करो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स तो देखो ये पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा ये तीसरी कक्षा बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है आठ बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है आठ तो बता चला आर्गन 18 है तो बाईतम कक्षा में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आठ हुआ ये तुम कहेगा छ हुआ सर छ ना तीसरी कक्षा बाईतम कक्षा है और तीसरी कक्षा में आठ है यानी हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे ये हो जाएगा छ दो आठ आ कोर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे छ दो आठ दो दस यानी कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दस क्लियर सर जैसे तुमको सबसे आसान रहेगा दो आठ आठ अठारह करके निकाल लो सबसे आसान रहेगा दो आठ आठ अठारह करके निकाल लो और सर ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है संडे ऑफ रहता है एक दिन की सर छुट्टी रहती है मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होगा और सिलेबस सर कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो मेरा टेंशन है अब ध्यान देना क्योंकि सर हम बकवासगिरी नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे नो बकवासगिरी दस मिनट आपका बकवास करके टाइम बिता देंगे सर तो आपका झूठ मूठ का टाइम बर्बाद हो इसे सिर्फ पढ़ाई कीजिए सर अगर आपके पिछवाड़े में दम है तो कंसंट्रेट कीजिए ना तो जाइए ना बहुतों काम है काम तो ढेरी है जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कोई झोलझाल नो बकवास ठीक है अब ध्यान देना अगर हम बात करें चला ध्यान देना जैसे हम दो आठ आठ अठारह हमको अब याद हो गया हम बात करते हैं क्लोरीन सत्रह की इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं दो आठ सात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन दो आठ सात तो बाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा सर ये यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं हमको ये बताइए सर

अभिक्रिया में भाग कौन लेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन लेगा अक्रिया गैस जितना है ध्यान देना चला जितना अक्रिया गैस है हीलियम को छोड़ दो तुम बाद बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में बाद बाकी सबके बाहतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आठ कितने आठ कितने आठ किसको छोड़ के को छोड़ के ठीक है अब ध्यान देना कहते हैं सर गौर फरमाइएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना से कितना हो सकती है सर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक भी हो सकती है आठ भी एक से लेकर आठ तक होती है अब बोलोगे कैसे जैसे तुम हाइड्रोजन का ले लो वन होता है वन होगा यही इसका कक्षा का इलेक्ट्रॉन यही संयोजी इलेक्ट्रॉन यही कोर इलेक्ट्रॉन अब वही आर्गन ले लेते हो तो आर्गन का होता है हो अट्ठारह दो आठ आठ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ इससे ज्यादा नहीं होगा इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक होगी एक से आठ तक होगी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक से तक हो एक से कितना तक होगी होगी। चला? अभिक्रिया में भाग कौन लेगा ले सर संयोजी इलेक्ट्रॉन ध्यान देना कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से लेकर आठ तक होती है नियोन दस है वन एस टू टू एस टू टू पी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी है आठ हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी तुरंत हम आपको दिखाए थे हीलियम को छोड़ दीजिए तो सबके बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन है कहता है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि बाह्यतम कक्षा में होता है यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम वर्ग भी निकालते हैं लेकिन कैसे निकालते हैं इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे ये आवर्त और वर्ग कैसे निकालते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए सर पहले तो आपको यह ऑर्डर याद रखना है दो आठ आठ अठारह सोडियम ले लीजिए सर ग्यारह ये होता है सर वन एस टू आज कौन सा दिन है शुक्रवार कल क्लास है सर कल की क्लास है कल शनिवार है ना कल की क्लास है मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है सोडियम का निकालते हैं तो ये हो जाएगा सर सोडियम का वन एस टू में नहीं जाएंगे हम लोग हम लोग सीधा आएंगे दो आठ एक तो सर ये बाहितम कक्षा है बाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी ाहतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी और यह एक से लेकर आठ तक होगा आठ के हो गैस का अभिक्रिया में भाग कौन लेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग कौन लेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग कौन लेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी होगीयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच गया उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच गया उसे हम कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच गया उसे हम कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं चला कोर इलेक्ट्रॉन किसी का निकालो नहीं चला जगह दिल करता है कैल्सियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस देखो जितना भी अक्रिय गैस है चला सबके हीलियम को छोड़ दो सबके बाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आठ सबके बाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आठ और हीलियम के बाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, है? दो

आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुम सीख गए अपवाद में दुए गोर तुमको याद रखना है, वो में वो का करना, सोना चांदी भी अपवाद है, है, है तो आप आज मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सीखे इसी पर सर लगभग ट्वेंटी केमिस्ट्री बेस्ड है आप जब आगे आज जा, जाओगे ना ट्वेंटी केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है लेकिन थोड़ा और समझा देंगे कल थोड़ा और एक बार दो तीन मिनट लगेगा एक बार और समझा देंगे फिर सर आगे बढ़ेंगे ठीक है जो बताएं एक बार और बता देंगे कहीं तो कोई समस्या नहीं लेकिन सर समझने और सीखने की कोशिश कीजिए ना तो मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा बार बार बोलते हैं सर सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई क्योंकि अब आप आपके पास समय नहीं है बकवासगिरी करने का नमस्कार खूब मन लगा के पढ़िए आज मिलते हैं साढ़े सात बजे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ न्यूमेरिकल का क्लास अभी हमें स्टॉप किए हैं इसलिए स्टॉप किए हैं कि पहले टॉपिक हम पढ़ा देंगे इस बैच में और जब ये बैच में टॉपिक हो जाएगा तब वहां सेम टाइम में नौ बजे न्यूमेरिकल करवा देंगे और बच्चों को हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज इस इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आज नौ बजे होगा तुम लोग आके कर लो ठीक है चूंकि थ्योरी बच्चा पढ़ा नहीं इसलिए न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा तो हम यहां थ्योरी पढ़ा देंगे आपको तब बताएंगे कि नौ बजे वाला बैच में आ जाइए आप न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का नमस्कार थैंक यू वेरी मच मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई तो हमर कसम सबसे बेसि मानता है ओकर कसम है कोई लड़का भोजपुरी गाना नहीं देखेगा सिर्फ पढ़ाई करेगा क्योंकि इंटरटेनमेंट डेढ़ महीना बाद फुल इंटरटेनमेंट शादी ब्याह इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ थैंक यू वेरी मच